क्या आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं? क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी और उसमें कहा था कि रॉयल इनफील्ड की जो थंडरबर्ड है, यानी वो थंडरबर्ड 350 आने वाले BS6 में वो डिसकंटिन्यू हो रही है। लेकिन अब मैंने ये कहा है कि नहीं, एक सस्ता वर्जन मार्केट में लॉन्च हो रहा है। मैंने इसमें ये लिखा है कि अब आपको सबसे सस्ती थंडरबर्ड मिलेगी, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि ये बंदा पहले कहता है कि बंद हो गई और अब कह रहा है कि आपको सस्ता वर्जन मिलेगा, तो ये कहना क्या चाहता है? तो मैं आपको बता दूं कि रॉयल इनफील्ड ने डिसाइड किया है कि वो अब BS4 में जो पहले अभी जो चल रहा है थंडरबर्ड का मॉडल, अब उससे एक चीपर वर्जन मार्केट में लेके आ रहे हैं, यानी एक सस्ता वर्जन लेके आ रहे हैं। पहले भी कंपनी ऐसा कर चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो बुलेट एक्स है वो पुराने वाले जो स्टैंडर्ड का एक सस्ता वर्जन है, यानी वो 122,000 में मिलती है स्टैंडर्ड, और ये आपको 112,000 में मिल जाती है, 10,000 का डिफरेंस। और क्लासिक में भी ऐसा ही है, अब आपको एक जो क्लासिक एस है वो आपको 145,000 में मिल जाती है। ऐसे ही थंडरबर्ड के साथ किया जा रहा है, एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कंपनी अपने इंजन्स को निकालना चाहती है, तो दैट्स वाई ऐसा कर रही है। यानी कुल टोटल मिला के अगर हम बात करें तो थंडरबर्ड 350 अब ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगी, ज़्यादा सस्ती हो जाएगी पहले के मुकाबले। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए। अगर आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देखना चाहते हैं कि जिसमें मैंने कहा है कि थंडरबर्ड BS6 वेरिएंट में नहीं आएगी, तो यहाँ पे आई बटन आ गया होगा, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि जो दुगदुग वाले साइलेंसर हैं कंपनी ने फिर दोबारा से लॉन्च कर दिया है, यानी रॉयल इनफील्ड ने लीगल दुगदुग वाले साइलेंसर मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, तो वह भी आई बटन में आ गया होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप वीडियो शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चेंजेस कंपनी ने इसमें किए हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। तो दोस्तों जो आने वाली अफोर्डेबल थंडरबर्ड 350 है उसमें किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या चेंजेस नहीं होंगे। डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं है, जो डायमेंशन है उसके वैसे ही रहेंगे, हर चीज़ का जो साइज़ है वो लगभग वैसा ही रहेगा, यानी कोई चेंज उसमें नहीं आपको देखने का मिलेगा। अगर चेंजेस की बात करें तो पहला चेंज उसमें क्या होगा, जैसे अपना बुलेट से बुलेट एक्स में जो चेंजेस किए गए, जैसे इंडिकेटर का जो ब्लैक कर दिया गया, यानी क्रोम को बेसिकली कम कर दिया गया, तो वैसे ही क्रोम को कम किया जाएगा। इंडिकेटर के जो बैक साइड है उसको पहले क्रोम का होता था, उसको ब्लैक कर दिया जाएगा, बेसिकली वो प्लास्टिक होता है उसको अब ब्लैक प्लास्टिक में लाया जाएगा, पहले क्रोम प्लास्टिक में लाते थे जो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। उसके अलावा जो उसके स्पोक व्हील्स हैं वो पहले क्रोम में होते थे, उसको भी अब ब्लैक कर दिया जाएगा, जिससे रेट काफ़ी कम हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो उसका हेडलाइट का कवर है जो क्रोम में है, उसको भी ब्लैक किया जाएगा ताकि रेट और कम हो सके। तो दूसरे ये था पहला चेंज। अब हम करते हैं दूसरे चेंज की बात। दूसरा चेंज क्या हो सकता है? दूसरा चेंज सर कलर होगा, यानी उसका कलर जो है उसको चेंज किया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो वो पुराने कलर्स में है, लोग थोड़ा सा उसको देख के बोर हो गए हैं, वो ब्लू और ब्लैक कलर। हो सकता है जो थंडरबर्ड एक्स में जो कलर्स आ रहे हैं, यानी कलर्स की जो रेंज आ रही है, 3-4 कलर जो उसमें आते हैं, तो उससे इंस्पायर्ड कोई कलर लाया जाए, क्योंकि जो थंडरबर्ड की एक्स की जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको देख के शायद इंस्पायर्ड होकर कोई नया कलर, एक मिलता जुलता कलर लेके आया जाए। बात करते हैं तीसरे चेंज की। तीसरे चेंज की बात करें तो आप थंडरबर्ड आपने देखी होगी, थंडरबर्ड का जो टैंक है, थंडरबर्ड के टैंक में 3D लोगो लगा हुआ है। पहले ही जैसे थंडर जो स्टैंडर्ड थी, यानी स्टैंडर्ड जो बुलेट स्टैंडर्ड है उसमें भी आपका 3D लोगो होता था, वैसा ही लोगो उन्होंने बाद में चेंज कर दिया, उसको बुलेट एक्स में वो लोगो नहीं मिलता, स्टिकर वर्क मिलता है। तो वैसा ही चेंज अफोर्डेबल जो आपकी थंडरबर्ड होगी उसमें भी हो सकता है कि अब उसमें सिर्फ रॉयल इनफील्ड एक स्टिकर वर्क के थ्रू लिखा हो बस, और कुछ नहीं। उसके अलावा ये तीन मैं चेंजेस की बात कर चुका हूँ। जो चौथा चेंज है वो मेजर चेंजेस है। पहले जो आपका क्लासिक एस आई है या बुलेट एक्स आई है उसमें वो चेंजेस नहीं थे, लेकिन इसमें वो चेंज किया जाएगा, 100% किया जाएगा। अगर कॉस्ट कटिंग करना चाहती है कंपनी तो उस चेंज को जरूर करेगी। दोस्तों जो चौथा चेंज है वो आपने पहले बुलेट एक्स और क्लासिक एस में नहीं देखा होगा, क्योंकि ये चेंज अपनी तरह का अलग चेंज होगा। होता क्या है कि जो थंडरबर्ड 350 है उसके जो फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है, लेकिन अब आपको जैसे बुलेट में और क्लासिक में नॉर्मल हेडलाइट मिलती है, यानी आपको हेलोजिन हेडलाइट मिलती है, वैसी ही हेडलाइट मिलेगी, इससे भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट में कमी आएगी। बात करते हैं पाँचवें चेंज की। पाँचवां चेंज इसमें क्या हो सकता है? पाँचवां चेंज वही होगा जो पहले भी चेंज किया गया है, यानी कंपनी इसके रेयर में ड्रम ब्रेक रखेगी और फ्रंट में इसके सिंगल चैनल ABS ब्रेक रखेगी, तो पीछे की डिस्क ब्रेक काट के भी कॉस्ट कटिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि रूल ये कहता है कि आपको सिंगल चैनल ABS रखना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपको डबल चैनल ABS या दोनों जगह पे आपको डिस्क रखना जरूरी है, तो सिंगल चैनल ABS से भी काम चल सकता है। तो ये सारे चेंजेस करके कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। तो अब बात आती है मुद्दे की बात कि प्राइस में कितना चेंज आएगा, टोटल प्राइस में कितना चेंज आएगा। तो टोटल प्राइस में मेरे हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन कहती है इन सारे चेंजेस को ध्यान पे रखते हुए, तो 8,000 से लेके 12,000 का फर्क आ सकता है। यानी पहले 1,57,000 की आपको थंडरबर्ड 350 मिलती थी, तो राइट नाउ आपको हो सकता है कि 1,47,000 या हो सकता है 1,45,000 या हो सकता है कि 1 लाख
48,000 तक की आपको ये बाइक मिल जाए दोस्तों, यानी 10 से लेके 12,000 तक का टोटल इसमें डिफरेंस होगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ तक आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट में BS4 वेरिएंट में। BS6 में थंडरबर्ड 350 नहीं आएगी, ये एकदम श्योर है। लेकिन हो सकता है कि अगर इस बाइक की सेल ज़्यादा हो, यानी थंडरबर्ड 350 ये जो अफोर्डेबल वेरिएंट आ रहा है, अगर इसकी सेल ज़्यादा हो तो हो सकता है कि कंपनी इसको BS6 में भी कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अभी के लिए जो न्यूज़ है वो BS6 में थंडरबर्ड 350 नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद हो सकता है कंपनी इसको कंटिन्यू करने की सोचे। तो दोस्तों, जहां तक मैं आप लोगों को जानता हूं, यानी अपनी फैमिली को जानता हूं, अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन टोटली खुला है, कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए, वहां पे क्वेश्चन पूछिए, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। हो सकता है दोस्तों कि मेरे से भूल चुक कोई क्वेश्चन रह जाता होगा, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि मैं हर क्वेश्चन का आपको आंसर दूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी बाइक्स के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अभी आपको स्क्रीन में 3 वीडियो नजर आ रही होंगे, एक सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, अगर सब्सक्राइब करना है तो जल्दी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए। और तीनों वीडियोस मोटो दोस्त से ही रिलेटेड हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।